ऐसा लग रहा है कि हम पिछले 10 महीनों से या फिर जब से सुशांत इस दुनिया को छोड़कर गए थे, हम सीबीआई को इस केस को देने की बात नहीं कर रहे थे, बल्कि हम ये बात कर रहे थे कि इस केस को सीबीआई के हाथ में सौंप दिया जाए और उसके बाद सीबीआई एक एक करके बहाने बनाती रहे। और 10 महीने हो चुके हैं, हमें कोई भी जवाब अब तक नहीं मिल पाया है। जबकि हम एक तरफ देख रहे हैं एनसीबी लगातार एक्टिव है और वो सुशांत के मामले को धीरे धीरे हल कर रही है और वो जिस तरीके से सबूत हमारे सामने ला रही है, अगर उसका 1% भी सीबीआई काम करती तो हो सकता है कि अब तक सुशांत को इंसाफ मिल चुका होता। जी हाँ दोस्तों, एक और बड़ी कामयाबी एनसीबी के हाथ लग चुकी है। चलिए आपको बताते हैं, इससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि सुशांत सिंह राजपूत से जुड़ी आपसे कोई भी एक भी अपडेट मिस ना हो सके। दोस्तों एनसीबी की तरफ से 8 पन्नों का एक चार्जशीट वायरल किया गया है ट्विटर पर। आपको बता दूं कि एनसीबी के द्वारा इस बात का खुलासा किया जा चुका है कि सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिलाने में सुशांत के फैंस की मदद करेगा एनसीबी। दोस्तों अब तक सीबीआई ऑफिसर्स ने कोई भी बड़ा खुलासा नहीं किया है, पर एनसीबी की इस बड़ी कामयाबी पर हम सभी की तरफ से दिल से एनसीबी को सैल्यूट है, क्योंकि जिस तरीके से वो अभी काम कर रही है, हो सकता है कि बहुत ही जल्द इस केस को एनसीबी ही सॉल्व कर दे। दोस्तों चलिए आपको बताते हैं कि सीबीआई की तरफ से क्या कुछ खुलासे हुए हैं। एक बार फिर से आज 25 तारीख और 25 तारीख को ही एनसीबी और सीबीआई की तरफ से एक मीटिंग की गई थी। एनसीबी ने अपने ब्यूरो में मीटिंग की थी और सीबीआई ऑफिसर्स ने अपने ब्यूरो में मीटिंग की थी। एनसीबी ने तो अपना खुलासा कर दिया है, पर सीबीआई का कहना है कि इन्वेस्टिगेशन प्रोफेशनल तरीके से, गुप्त तरीके से जारी है। आखिर ये गुप्त तरीके से इन्वेस्टिगेशन कब तक चलेगी? आखिर कोई सबूत और गवाह सामने क्यों नहीं आ रहा? आखिर सीबीआई ऑफिसर्स केशव नीरज सिद्धार्थ पिठानी से क्या कुछ पूछताछ कर पाई है? आखिर दीपेश सावंत को हिरासत में क्यों नहीं ले रही है? क्योंकि दीपेश सावंत के खिलाफ भी बहुत सारे सबूत सोशल मीडिया पर उपलब्ध है। आखिर सीबीआई ऑफिसर संदीप सिंह को गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही है? आखिर ये सीबीआई ऑफिसर रिया चक्रवर्ती से पूछताछ क्यों नहीं कर रही है? दोस्तों सीबीआई के ऊपर अगर जनता प्रेशर दे तो बहुत सारी चीजें हैं, पर आप सभी एकजुट नहीं हो पाते हैं एक प्लेटफॉर्म पर और आप लोगों की आवाज दब कर रह जाती है। दोस्तों मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि किसी एक चैनल को खूब सपोर्ट कीजिए, ताकि उस चैनल के जरिए, एक प्लेटफॉर्म के जरिए सबकी आवाज बुलंद हो सके और हम सभी एकजुट होकर आवाज उठा सके। दोस्तों अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि सुशांत के लिए हम सब एकजुट होकर आवाज उठा सके। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई, इस बात में कितनी सच्चाई है इसका पुष्टिकरण हमारा चैनल नहीं करता है और न ही किसी भी तरीके की अफवाहों को फैलाना हमारे चैनल का उद्देश्य है। आपका कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद। दोस्तों वैसे तो सुशांत सिंह राजपूत के केस में हर किसी को ये पता चल चुका है कि कौन सा किसका किरदार था, चाहे वो रिया चक्रवर्ती हो, सैमुअल मिरांडा हो, दीपेश सावंत हो या फिर केशव नीरज सिद्धार्थ पिठानी हो। पर एक शख्स ऐसा है जो कि अब तक अपने चेहरे को एक ऐसे नकाब से ढके हुए है जिसको समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं संदीप सिंह के बारे में। संदीप सिंह अब तक सुशांत सिंह राजपूत का अपना जिगरी दोस्त बता रहा है। संदीप का कहना है कि सुशांत सिंह राजपूत काफी बेस्ट फ्रेंड था और वो सुशांत के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार था। दोस्तों पर आपको बता दूं कि जब सुशांत जिंदा थे उस दौरान 10 महीने तक सुशांत सिंह राजपूत से संदीप सिंह की कोई बात नहीं हुई थी, पर अचानक 14 जून को संदीप सिंह कहीं से आया और वो लगातार सुशांत सिंह राजपूत की बॉडी के आसपास घूमने लग गया। जब उससे पूछताछ की गई तो उसने बताया कि वो इंसानियत के नाते ये सब कुछ कर रहा है। दोस्तों आपको बता दूं कि 14 जून को ही उसने एम्बुलेंस ड्राइवर से 5 मरतबा बात की और इसी के साथ उसने सूरज पंचोली की माँ को भी 3 मरतबा फोन किया। दोस्तों ये वाकई चौंकाने वाली खबर है। दोस्तों आपको बता दूं कि जब कपूर हॉस्पिटल में सुशांत सिंह राजपूत को लेकर जाया गया उस दौरान रिया चक्रवर्ती को सुशांत सिंह राजपूत की बॉडी के पास लेकर जाने वाला भी शख्स यही था। जब इसे पूछताछ की गई कि आखिर इसने एम्बुलेंस ड्राइवर को 5 मरतबा फोन क्यों किया, तो इसने बताया कि पेमेंट के मेथड में मैंने फोन किया था, पर एम्बुलेंस ड्राइवर ने बताया कि सारे पैसे की लेन देन सिद्धार्थ पिठानी की तरफ से की गई थी। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए एक और खबर बता दूं कि सिद्धार्थ पिठानी के काफी करीबी रहा है संदीप सिंह, और लगातार जब सुशांत सिंह राजपूत के केस में लोगों का नाम उछलने लगा तो इन सभी से संदीप सिंह ने दूरी बना ली, चाहे वो रिया चक्रवर्ती हो या फिर कोई और शख्स हो। पर दोस्तों आपको जानकर ये और भी ज्यादा हैरानी होगी कि
संदीप सिंह के आईपी एड्रेस से ही किसी और नंबर से रिया चक्रवर्ती को बार बार मैसेजेस आते हैं और अब भी उस नंबर से रिया चक्रवर्ती कांटेक्ट में रहती हैं। इसका मतलब साफ है कि संदीप सिंह अपना नंबर बदल चुका है और वो लगातार इन लोगों से कांटेक्ट में है और इस चीज़ को ये सारी चीज़ें जनता के सामने ना आए इन सभी चीज़ों की वो कोशिश कर रहा है। पर अगर वो जनता को बेवकूफ़ समझता है तो जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है। सीबीआई ऑफिसर्स को भले ही ये सारी चीज़ें नज़र ना आ रही हों पर हम सभी इन सभी चीज़ों को काफ़ी बारीकी से समझ सकते हैं क्योंकि सुशांत को जस्टिस दिलाने की जो मांग है वो हम सभी दिल से कर रहे हैं। दोस्तों आप सभी का दिल से सलाम है कि आप लोग एक साल हो गए और अब तक सुशांत को इंसाफ दिलाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं और आगे भी हमारी लड़ाई जारी रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसे शेयर कीजिए ताकि हम सभी की ताकत और बढ़ सके, ये चैनल बड़ा हो सके ताकि हम सभी की आवाज़ और भी ज़्यादा बुलंद हो सके। दोस्तों आपके मन में अगर कोई भी सवाल है तो आप अपना सवाल और जवाब हमें कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताएगा। अगली वीडियो हम आपके सवाल जवाब पर ही बनाएंगे। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है। इस बात में कितनी सच्चाई है इसका पुष्टिकरण हमारा चैनल नहीं करता है और ना ही किसी भी तरीके की अफवाहों को फैलाना हमारे चैनल का उद्देश्य है। आपका कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद। दोस्तों सिद्धार्थ पिठानी को लेकर एक बहुत ही बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दूं कि सिद्धार्थ पिठानी को 17 तारीख को कोर्ट में पेश किया गया था और सिद्धार्थ पिठानी के वकील की तरफ से कोर्ट में जमानत के लिए याचिका दर्ज कराई गई थी पर अब खबरें आ रही हैं कि उस याचिका को एनसीबी के दबाव के कारण सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। तो आखिर 10 दिन की जमानत कैसे दी गई सिद्धार्थ पिठानी को, चलिए आपको इसके बारे में बताते हैं। इससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सुशांत सिंह राजपूत के केस से जुड़ी ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आप सबसे पहले जान सके। दोस्तों सिद्धार्थ पिठानी को शादी के नाम पर 10 दिन की छूट दी गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 27 तारीख को सिद्धार्थ पिठानी शादी कर रहा है और इस शादी का जो मुहूर्त है वो सिद्धार्थ पिठानी के जेल जाने के बाद बनाया गया। पर सिद्धार्थ पिठानी की गर्लफ्रेंड के मुताबिक ये जो मुहूर्त है वो आज से 3 महीने पहले ही निकाल दिया गया था। आपकी जानकारी के लिए एक और इन्फॉर्मेशन दे दूं कि ये जो सारी चीज़ें हुई वो सिद्धार्थ पिठानी के पेट की एक खिचड़ी थी जिसने उसको सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा और सुप्रीम कोर्ट ने इस सारी चीज़ों को सच साबित कर दिया। जी हाँ दोस्तों 27 तारीख को उसकी शादी और बताया जा रहा है कि 2 तारीख को वो वापस सरेंडर करेगा, यानी कि 2 जुलाई को वो सरेंडर करने वाला है वापस सुप्रीम कोर्ट और एनसीबी के सामने। पर आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए एक और चीज़ बता दूं कि उसकी शादी होनी थी बैंगलोर में क्योंकि उसकी सगाई भी बैंगलोर में हुई थी, उसकी फैमिली भी बैंगलोर में है, पर अब इन्फॉर्मेशन आ रही है कि वो शादी करने के लिए जयपुर पहुंच गया है। जी हाँ दोस्तों आखिर ये कैसा मामला है, ना ही सिद्धार्थ पिठानी कोई बड़ा सेलिब्रिटी और ना ही उसके फैमिली मेंबर में से किसी का कनेक्शन है जयपुर से, पर इसके बावजूद सिद्धार्थ पिठानी शादी करने पहुंच चुका है जयपुर। दोस्तों आपको बता दूं कि एनसीबी की तरफ से 2 ऑफिसर्स सिद्धार्थ पिठानी के साथ भेजे गए हैं पर वो ऑफिसर्स को बैंगलोर भेज दिया गया है। जी हाँ दोस्तों आपको बता दूं कि जब कॉल ट्रेसिंग किया जा रहा है सीबीआई की तरफ से एनसीबी की तरफ से तो बताया जा रहा है कि जो मोबाइल फोन है सिद्धार्थ पिठानी का वो जयपुर में एक्सेस कर रहा है और वही जो एनसीबी ऑफिसर्स है उनका कहना है कि सिद्धार्थ पिठानी उनके साथ बैंगलोर में है और उसका फोन भी उसी के साथ है। दोस्तों आखिर ये मामला चल क्या रहा है, किस तरीके से गुमराह किया जा रहा है एनसीबी ऑफिसर्स को, क्योंकि सीबीआई का तो कहीं से कहीं तक योगदान नजर ही नहीं आ रहा। सीबीआई ऑफिसर्स किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और क्या इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं किसी को समझ नहीं आ रहा। दोस्तों अब तक आपने सीबीआई की किसी केस को ऐसा देखा है कि उसने इतनी स्लोली से सॉल्व किया हो या फिर सीबीआई ऑफिसर्स का इतना गंदा रिकॉर्ड रहा हो? कमेंट के जरिए हमें जरूर बताया कि अभी तक सीबीआई ऑफिसर्स ने इतने सारे केस सॉल्व किए हैं जिसकी वजह से सीबीआई ऑफिसर्स को हर कोई सैल्यूट करता है और आज जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत के केस में सीबीआई ऑफिसर्स काम कर रहे हैं उसे देखकर कहीं ना कहीं ये यकीन हो चुका है कि अगर ऐसा चाहे तो कुछ भी करवा सकता है और यही कर रही है सीबीआई ऑफिसर्स। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है। इस बात में कितनी सच्चाई है इसका पुष्टिकरण हमारा चैनल नहीं करता है और ना ही किसी भी तरीके की अफवाहों को फैलाना हमारे चैनल का उद्देश्य है। आपका कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद।